यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकुश। इसमें दोस्तों हम करेंगे कक्षा 10 का जो प्रश्नावली है 8.1, इसका जो नोवा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। एक तो इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, तो ये आपको याद रखना है, और बाकी 6 फार्मूले हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। जो एल है यहाँ पर, इसका मतलब है लंब, और के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, ये हमें याद होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज है एक ए बी सी, जिसमें जो कोण बी है वो समकोण है। यदि टेन ए बराबर है 1/3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है कब, जब टेन ए बराबर है 1/3 के, ठीक है। तो बी एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है, तो तब हमें जो है इनका मान ज्ञात करना है। एक तो ये है और एक ये है, तो चलिए करते हैं। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमारा कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। इसने बोला है जो बी कोण है वो है समकोण, यानी कि ये कौन सा कोण है, ये है बी। अब देखिए यहां पर थीटा क्या है, यहां पर थीटा है ए, क्योंकि टेन ए है, जैसे यहां पर है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, तो इनके पीछे थीटा होता है। तो यहां पर टेन के पीछे क्या है, ए है, यानी ए हमारा क्या है, थीटा है, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए, तो ये त्रिभुज बन गई ए बी और ये सी, ठीक है, ए बी सी की ये त्रिभुज हमारी बन गई। अब एक चीज आप याद रखिए, जो थीटा होता है इसके सामने वाली जो भुजा होती है, ये वाली भुजा जो है बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज में, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कर्ण। तो सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्ण। अब बची ये भुजा, तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हम निकाल सकते हैं कर्ण का हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, लंब का हमें पता है थीटा के सामने वाली भुजा होती है, तो जो बची हुई भुजा होती है उसको हम क्या लिखेंगे, आधार, ठीक है। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, लंब की भी, आधार की भी और कर्ण की भी। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी जो इनका मान है वो निकालेंगे। तो कहाँ से निकालेंगे, वो निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन ने हमें दिया है। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, जो टेन ए है वो बराबर है 1/3 के, ठीक है, ये क्वेश्चन ने हमें बोला है। अब देखिए टेन का फार्मूला यहां पर देखिए, टेन थीटा का फार्मूला देखिए, टेन थीटा का फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार है फार्मूला, यही क्या है फार्मूला, लंब बटे आधार फार्मूला है हमारा, ठीक है। यानी जो एक है हमारा वो क्या है, हमारा लंब है, और जो ये 3 है ये हमारा क्या है, ये है हमारा आधार। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक तो लंब की वैल्यू निकाल ली, एक आधार की वैल्यू निकाल ली इस चीज से, ठीक है, क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता था, तो हमें लंब और आधार की वैल्यू मिल गई। तो लिख लेते हैं लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 1, आधार की वैल्यू हमारी कितनी है, आधार की वैल्यू है 3, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे इसको पहले को और दूसरे को, तो इसमें हमें निकालना है साइन ए कोस ए। तो यहां पर देखिए जो साइन थीटा फार्मूला है ये कहता है लंब बटे कर्ण, हमारे पास लंब की वैल्यू तो है लेकिन कर्ण की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। कर्ण की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये फार्मूला कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हम सेम चीज करेंगे, जो वैल्यू हमारी वो यहां पर रख लेंगे। तो आधार की हमारी वैल्यू कितनी है, 3, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब हमारा कितना है, लंब आया हमारा 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3 का, जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आपको पता होना चाहिए, जो वर्गमूल होता है वो स्क्वायर का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इससे कट जाएगा तो बच जाएगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि जब हम 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो हमारा के स्क्वायर किसके बराबर आ गया, यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिए, हमें वैल्यू जो निकालनी है, हमें निकालनी है
कर्ण की वैल्यू, सुकेर की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, तो इस सुकेर को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हम वर्गमूल कर देंगे दोनों साइड। जब हम दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सुकेर है ये इससे वर्गमूल से कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा कर्ण। तो कर्ण किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल चार के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें ये पता है वर्गमूल चार की वैल्यू कितनी होती है, दो होती है। क्यों, क्योंकि दो का स्क्वायर करेंगे तो चार होगा, तो चार का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से दो। तो जो कर्ण की हमारी वैल्यू थी वो निकल आई, कितनी वैल्यू आई, दो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दो। तो अब हमारे पास लंब की भी वैल्यू है एक, आधार की भी वैल्यू है वर्गमूल तीन, कर्ण की भी वैल्यू है दो। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, पहले हम इसको लेते हैं जो ये क्वेश्चन है पहला, इसको लेते हैं। तो ये कहता है साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन सी। अब देखिए यहां पर एक चीज कंफ्यूजन आपको होगी, यहां पर कंफ्यूजन किस चीज की होगी, जब यहां पर थीटा ए है, क्योंकि यहां पर साइन ए है, तो क्या होगा, हमारा थीटा ए होगा। तो थीटा के हमें पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारा लंब होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कोस सी, यानी थीटा बदल गया। अब जब थीटा बदलेगा तो क्या होगा, हमारा लंब जो है वो भी बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये कंफ्यूजन होगी आपको, तो ये आपको याद रखना है। तो पहला हम केस लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। जो पहला केस है यानी जब थीटा किसके बराबर है, ए, जब थीटा ए है तब क्या है, तब हमारा कर्ण क्या होगा, कर्ण तो चलो सेम रहेगा दो, लंब हमारा क्या होगा, लंब होगा हमारा एक, आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा वर्गमूल तीन। लेकिन जब थीटा होगा हमारा सी, क्योंकि अब देखिए यहां पर थीटा बदल गया, यानी अब ये थीटा ये सी हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी है, तो ए बी हमारा अब क्या हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है। और कर्ण हमारा सेम रहेगा, बाकी बची हुई ये भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आधार। क्यों, क्योंकि ये बदल गया, बदला क्यों है, क्योंकि थीटा के कारण, क्योंकि यहां पर थीटा बदल गया, साइन ए था हो गया कोस सी, थीटा बदलते ही हमारा लंब और आधार बदल गया। तो कर्ण तो चलो हमारा सेम रहेगा, कर्ण हमारा क्या होगा दो, लंब हमारा क्या हो जाएगा बदल गया है, थीटा के सामने वाली भुजा ए बी, ए बी क्या है हमारी वर्गमूल तीन है, तो वर्गमूल तीन। आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार है हमारा एक, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं इसको सोल्व, पहले इसको सोल्व करते हैं। साइन ए का फार्मूला बताइए, साइन ए का फार्मूला है लंब बटे करण। क्या फार्मूला है, लंब बटे करण। लंब हमारा कितना है, जब थीटा ए है तो लंब है हमारा एक, तो हम क्या लिखेंगे, एक बटे करण। करण हमारा कितना है, करण है हमारा दो गुणा, क्योंकि यहां पर ये गुणा है। कोस सी, कोस सी, कोस का फार्मूला बताइए, कोस थीटा फार्मूला है आधार बटे करण। तो आधार हमारा कितना है, देखिए अब जो है थीटा सी है, तो सी के हिसाब से देखेंगे यहां पर, तो आधार हमारा कितना है, एक है, तो एक बटे। करण हमारा कितना है, करण हमारा दो, तो दो प्लस कोस ए। तो अब हमें जो है कोस का फार्मूला पता है, आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन यहां पर थीटा क्या है, ए, तो ए जब थीटा है तब हमारा आधार क्या होगा, तब हमारा आधार होगा वर्गमूल तीन, तो हम कर देंगे वर्गमूल तीन बटे। कर्ण हमारा कितना होगा, कर्ण हमारा सेम रहता है दो गुणा। साइन सी, साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहां पर थीटा क्या है, सी है, यानी सी थीटा है, तो लंब हमारा क्या होगा, वर्गमूल तीन, वर्गमूल तीन बटे। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा दो। तो यहां पर कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में सिर्फ यहां पर होगी कि जो थीटा होगा वो बदल जाएगा, तो आपको जो है ये याद रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो जब थीटा बदलेगा तो हमारा लंब भी बदलेगा, तो ये आपको याद रखना है, इसी में कंफ्यूजन होगी आपको, ठीक है। तो चलिए इसको बस सोल्व करना है, पहले हम गुणा करते हैं, हमें पता है प्लस नहीं करते, तो एक एक की गुणा कितना होता है, एक, दो दो की गुणा कितना होता है, चार प्लस वर्गमूल तीन की गुणा, वर्गमूल तीन के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन। क्यों, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल तीन क्या होता है, सुकेर का उल्टा होता है, यानी वर्गमूल तीन आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब दो चीज़ों की हम गुणा करेंगे तो वर्गमूल तीन आएगा। तो जब हम वर्गमूल तीन और वर्गमूल तीन की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा बटे, दो दो की गुणा कितना होता है, चार, चार नीचे कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ऊपर क्या है, वन प्लस तीन, चार बटे चार।
तो इसको कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो पहला हमने सोल्व कर दिया। अब दूसरा सोल्व करते हैं, ये इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है, ये कहता है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कोस ए का फार्मूला बताइए, कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे करण। हमारा थीटा क्या है, ए है हमारा थीटा, तो ए के हिसाब से देखते हैं हमारा आधार कितना है, वर्गमूल तीन। तो लिख लेते हैं वर्गमूल तीन बटे करण कितना है हमारा, करण है दो, करण तो चलो सेम रहेगा, गुणा कोस सी। कोस का फार्मूला है आधार बटे करण, लेकिन यहां पर थीटा है सी, तो सी के हिसाब से देखेंगे तो आधार कितना हमारा, एक, एक बटे करण कितना है दो। माइनस साइन ए, साइन का फार्मूला है लंब बटे करण, तो ए यहां पर थीटा है, तो ए के हिसाब से देखेंगे लंब हमारा कितना है, एक, एक बटे करण हमारा कितना है दो, गुणा साइन सी। साइन का फार्मूला है लंब बटे करण, तो थीटा है सी, तो इसके हिसाब से देखेंगे सी के हिसाब से लंब हमारा कितना है, वर्गमूल तीन, तो वर्गमूल तीन बटे करण हमारा कितना है दो। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं करना। तो वर्गमूल तीन की और एक की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल तीन बटे दो, और दो की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, चार। माइनस एक और वर्गमूल तीन की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तीन, वर्गमूल बटे दो और दो की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, चार, बराबर है। अब देखिए वर्गमूल तीन बटे चार माइनस वर्गमूल तीन बटे चार, तो हमें पता है जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो ही होता है। जैसे एक में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, जीरो होगा। तो ये दोनों सेम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। तो जो पहला है इसका हमारा आंसर आया है एक, और दूसरा जो है इसका आंसर आया हमारा जीरो, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें क्या समझना है, हमें इसमें मान निकालना होगा लंब का, आधार का और करण का, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, जिससे आप समझ जाएंगे, जिसमें बी कोण समकोण होगा। बस कन्फ्यूजन इसमें यहाँ पर होगी, जब थीटा हम लेंगे तब हमें कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि थीटा के हिसाब से ही हमारा लंब और आधार तय होता है। तो जब थीटा बदलता है तो हमारा लंब भी बदलता है और आधार भी बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब साइन ए होगा तो ए के हिसाब से हमारा जो लंब होगा उसकी वैल्यू लिख लीजिए, जो जब थीटा सी होगा तो थीटा सी के हिसाब से जो हमारा लंब होगा उसकी वैल्यू लिख लीजिए, तो उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो जिसकी भी वैल्यू है, बस सिर्फ हमें फार्मूला उसमें रखना है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।